अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 8 विद प्रैक्टिस टाइपिंग। तो ये चैप्टर हम क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हम क्या यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है। हमें इस चैप्टर में टाइपिंग के तरीके सिखाए जा रहे हैं कि टाइपिंग किस तरीके से आपको करनी है। यहाँ पर एक इमेज दी गई है, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है इमेज के अंदर कि यहाँ पर आपको सही बैठने का तरीका कौन सा है उस पर राइट टिक करना है, और जो बैठने का तरीका सही नहीं है उस पर रॉन्ग टिक करना है। ठीक है, मेक द इमेज विथ करेक्ट पोस्चर विथ अ टिक, क्या करना है, करेक्ट पोस्चर पे आपको टिक लगाना है। एंड दोज व्हाट द इनकरेक्ट पोस्चर विथ कट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे ये यहाँ पर लैपटॉप यूज़ कर रहा है बेड पे लेटे हुए, क्या ये करेक्ट ऑप्शन है या इनकरेक्ट है, तो आपको क्या करना है इसको, ये इनकरेक्ट है तो यहाँ पे आपको कट लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक्सरसाइज बुक पेज नंबर 62 पर है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद बुक पेज नंबर 63 पर हैंड्स दिखाए गए हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। अब आपको इन फिंगर्स के नाम क्या करने हैं, याद करने हैं, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। ये नाम्स आपको याद करके एक रफ कॉपी लेनी है, उस पर आपको अपने दोनों हैंड्स बनाने हैं। हैंड्स बनाने के बाद इस तरह से आपको अपनी कॉपी पे ये नाम्स याद लिखने हैं, ये नेम क्या करने हैं, याद लिखने हैं। ठीक है, इस बुक के इस चैप्टर को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्सरसाइज है बुक पेज नंबर 69 पर। 69 पर एक्सरसाइज क्या दी गई है, विच फिंगर डू वी यूज टू टाइप पर फॉलो। ठीक है, आप ये वर्ड लिखने के लिए, ये लेटर लिखने के लिए आप कौन कौन सी फिंगर्स यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास है वी एंड बी, वी एंड बी टाइप करने के लिए आपको कौन सी फिंगर की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर आपको नेम लिखना है, एस फिर वो फिंगर नेम लिखना है, आर एंड टी वो फिंगर नेम लिखना है। इसी तरीके से आप पूरे पढ़ेंगे और उनके फिंगर्स के नेम आगे लिखेंगे जो फिंगर आप टाइप करते वक्त यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, ये क्या करना है, आपके बुक पेज अगर कंप्लीट हैं तो ये रफ कॉपी पे आपको इस तरीके से बनाना है, बनाने के बाद रफ कॉपी पे ये याद आपको लिखने हैं। ठीक है बेटा,